इट इज सरप्राइजिंग दोस्तों कि 8 जेन 2 के फोन्स जस्ट 3-4 महीने पहले हम कहते थे कि अगर 55-60,000 में मिलते हैं तो जबरदस्त है। अब सोचिए दोस्तों, जस्ट 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन अगर एक फोन जिसमें 8 जेन 2 है और बाकी सब फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशंस है वो आपको 40,000 के नीचे मिलने वाले, इट इज क्रेजी। जी हाँ, हमने चाइना से मंगाया हुआ है आईकू नियो 9, जो उधर आईकू नियो 9 के नाम से आने वाला है, लेकिन इधर इंडिया में इट इज गोइंग टू लॉन्च एज आईकू नियो 9 प्रो विद 8 जेन 2 प्रोसेसर एंड दैट टू अंडर 40,000, शायद 35,000 के पास में। जी हाँ, इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, सब कुछ बताने वाले इस फोन के बारे में। लेट्स ओपन। नियो 9 लिखा हुआ है बट इंडिया में नियो 9 प्रो के नाम से आएगा। वैसे इंडियन वेरिएंट जब आएगा तो उसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस, रिव्यू, कैमरा रिव्यू सब कुछ करने वाले, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतने सारे लोग आते हैं, देखते हैं हमारे वीडियोस, अच्छे भी लगते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब एंड लाइक इज अ मस्ट, दैट्स ऑल वी आस्क। चलिए लेट्स ओपन। ओह, बड़ी बैटरी है, 5160 मिली एम्पीयर की बैटरी है, फिर भी हाथ में इतना हल्का लग रहा है, दैट इज सरप्राइजिंग। ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग हैवी। नाइस केस, फ्लैट साइड, डिसेंट केस है। डॉक्यूमेंटेशन, ऑलराइट। यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल है, सो इवन दैट इज गुड। 120 वॉट फ्लैश चार्ज आता है दोस्तों, 120 वॉट, क्रेजी। एंड देन हम्बल सिम कार्ड टूल जो हम हमारे पास रखेंगे टू टेस्ट इट आउट, बाकी सब चीजें रखते हैं साइड में। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द फोन। ऑलराइट, लेट्स रिवील। रेड, अलग है, फायरी रेड, डुअल टोन है, दिस लुक्स ब्यूटीफुल। यू नो, आईकू के फोन जनरली यू नो ऐसा इंडस्ट्रियल लुक हुआ करते थे, रफ एंड टफ, लेकिन ये अभी एलिगेंट की तरफ जा रहे हैं। मैं इनफैक्ट एलिगेंट भी नहीं कहूंगा, आप कहूंगा ब्यूटीफुल। लुक एट दिस डिजाइन, इट विल स्टैंड आउट। ग्रे, लाइट ग्रे है, रेड है, अब मुझे पता नहीं इंडिया में जब लॉन्च होंगे तब कौन से कलर्स आने वाले हैं, बट दिस वन लुक्स ब्यूटीफुल। बट ये जो कलर है ये डेफिनेटली आए, क्योंकि ये जो कलर है ये टीज किया हुआ है आईकू ने। एंड याद रखिए, इंडियन वेरिएंट फर्स्ट सेकंड वीक में लॉन्च होने वाले, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। फ्लैट डिस्प्ले है, पतला फोन है, फ्लैट साइड्स है, एंड जो रेड फ्रेम है ना, दैट लुक्स ब्यूटीफुल। सबसे पहले मुझे वेट देखना है इसका, बिकॉज यू नो 5160 मतलब 5000 भी नहीं, 5200 के करीब बैटरी है इसकी, एंड आई स्टिल फील इट इज अंडर 200 ग्राम्स, 195 ग्राम्स वगैरह लग रहा है मुझे, शायद और भी हल्का हो सकता है, I don't know, let's see. 190.5 ग्राम्स, that is good. वो सही में बहुत अच्छा है दोस्तों, गिवन बैटरी साइज बड़ी है, 190 ग्राम्स है। इनफैक्ट इन हैंड फील जो है ना जबरदस्त है, आई लव दिस फोन, दिस लुक्स रियली नाइस। क्विकली पोर्ट्स एंड बटन, नीचे की तरफ दोस्तों सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB Type-C है, right hand side में power on off button है, volume rocker है ऊपर, and then you also have noise cancelling and IR blaster, left hand side में कुछ नहीं है। अगर मैं SIM card tray के बारे में बात करूं, मैं expect नहीं कर रहा हूं कि SD card होगा, but let's see। जी हाँ, dual nano SIM card slot है, that's about it। चलिए गिरा के देखना है, वैसे protection क्या है पता नहीं है दोस्तों, गिराते हैं, जोर से गिराते हैं, चलिए 1, 2, and 3 पीछे से। नहीं, कुछ नहीं, वो जो आवाज आ रहा है वो OIS है, that's about it, और कुछ नहीं है। चलिए बाहर से देख लिया, अंदर से देखते हैं, वो look at that display। जी हाँ, मतलब बेजल सही में बहुत पतले बेजल्स हैं दोस्तों, 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है, एंड ये जो है बड़ा डिस्प्ले, 6.78 इंच का 1.5K डिस्प्ले, अप टू 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले आता है, HDR10+ का सपोर्ट है। याद रखिए 144 हर्ट्ज अप टू क्यों कहा मैंने, क्योंकि गेमिंग में 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, नॉर्मली सिस्टम में 120 हर्ट्ज तक जाता है, so that is good। overall brightness के बारे में बात करूँ, 1400 nits brightness आती है, which is very very nice। adaptive है, LTPO display है, so 1 hertz से लेके 120 hertz तक, it's flexible depending on आप क्या कर रहे हो display के ऊपर, so that is great। अगर performance के बारे में बात करूँ, and आईकू के phones ना जबरदस्त, for the price जो performance देते हैं, that is crazy। आईकू नियो 9 प्रो या आईकू नियो 9 is no different। जी हाँ, आपको 35-40,000 में 8 gen 2 मिल रहा है, जिसका अंतुतु score, वो भी बेस वेरियंट का, हमारे पास जो वेरियंट है that is 256, ये 16GB RAM and 1TB तक जाता है, टोटल जो ऊपर वाला वेरिएंट है, अंतुतु स्कोर दोस्तों 1.7 मिलियन के करीब आता है, which is excellent। जी हाँ, पिछले साल के जो भी फ्लैगशिप थे सभी इसी चिपसेट पे थे, एंड यू नो इट इज अ वेरी स्टेबल प्रोसेसर, TSMC के ऊपर होने की वजह से थर्मल्स भी कंट्रोल में थे, एंड परफॉर्मेंस के मामले में सही में अच्छे थे। गेमिंग के लिए दोस्तों हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाओगे, वेरी वेरी स्मूथ, और जैसे मैंने कहा 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स परफॉर्मेंस के मामले में,
अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, हैवी गेम्स खेल रहे हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सबसे हैवीएस्ट गेम जेंशिन इंपैक्ट हमने एक्चुअली खेल के देखा 30 मिनट्स तक, 59 FPS जो है वो आपको कंटिन्यूसली उसी के ऊपर मिलता है, सो दैट इज एक्सीलेंट। वैसे एक बात कहूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि चाइना में वो जो प्रो है वो 9300 में आया एंड इंडिया में जो प्रो आ रहा है वो 8Gen 2 पे आ रहा है, क्योंकि 9300 हमने टेस्ट किया हुआ है, थोड़ा थ्रॉटलिंग जरूर होता है दोस्तों, एटलीस्ट ऑन पेपर। सो आई एम हैप्पी 8Gen 2 इज ट्राइड टेस्टेड एंड यू नो अपलॉडेड चिपसेट मैं कहूंगा। और हाँ, गेमिंग के लिए Q1 चिपसेट भी आती है जी हाँ, मतलब जब फास्ट एक्शन पेस्ड गेम्स वगैरह आप खेल रहे हो तो स्मूथ एक्शन मतलब MEMC जैसे फ्रेम इंटरपोलेशन वगैरह जो होता है वो सब इसके अंदर है एंड दैट एक्स्ट्रा चिपसेट डेफिनेटली हेल्प्स इन ग्राफिक्स, तो वो है इसके अंदर। हैप्टिक्स के बारे में बात करूं दोस्तों, क्योंकि स्पेसिफिक हम जनरली नहीं कहते हैं, बट हैप्टिक्स भी बहुत अच्छे थे, 4D हैप्टिक फीडबैक आपको मिलता है एंड इट इज एक्सेलेंट। अब दोस्तों OS के बारे में बात करूं, इनफैक्ट नहीं बात करूंगा क्योंकि देखिए ये चाइनीज वेरिएंट है, ओरिजिन OS पे आता है, इंडिया में जब आएगा वो फनटच OS पे आएगा, एंड्रॉइड 14 पे आएगा, सो दैट इज देयर। अपडेट्स वगैरह जब आएगा तो हम बताएंगे, उसके लिए जरूर रुकिएगा, बट दिस इज ऑन ओरिजिन OS। गेमिंग के बारे में एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से अच्छा होता है। सी कर्व डिस्प्ले में गेमिंग कभी कभी अनवांटेड टचेस वगैरह होते हैं, नॉट विद अ फ्लैट डिस्प्ले। और फ्लैट डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूं तो डिस्प्ले इतना अच्छा होने की वजह से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा है, स्पेशली क्योंकि स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं और इतना अच्छा डिस्प्ले है तो मल्टीमीडिया जो है क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो की क्वालिटी भी अच्छी है, लाउड है इसकी क्वालिटी अच्छी है, सो ओवरऑल मल्टीमीडिया यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो अगेन ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बट अगर हमने वेबसाइट पे देखा चाइनीज वेरिएंट के तो वाईफाई 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3F जब इंडिया में आएगा तो 5G बैंड्स का सपोर्ट होगा, दैट इज अ नो ब्रेनर राउंड। कनेक्टिविटी के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंसर्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, सब सेंसर्स आते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट यू आल्सो गेट अ IR ब्लास्टर। चलिए कैमरा की तरफ बढ़ते हैं एंड आई एम हैप्पी, और ये जो है ना ये 2024 में होना चाहिए, वो जो 2 मेगापिक्सल के कैमराज है ना वो निकल जाने चाहिए, स्पेशली 15-20 हज़ार के ऊपर वाले जो फोन्स हैं, आई डोंट वांट टू सी 2 मेगापिक्सल। और वैसे ही कुछ है इसमें, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, वो भी कौन सा है पता है, X100 में जो IMX920 सेंसर था वही इसके अंदर है, OIS का सपोर्ट है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और जैसे पिछले 6-8 महीने में देखे जो भी आईकू ने फोन्स लॉन्च किए, दे हैव इंप्रूव्ड ऑन कैमरास, आईकू नियो 9 प्रो इज नो डिफरेंट, अच्छे फोटोज लेता है दोस्तों, क्योंकि देखिए आईकू के फोन्स जब वो लॉन्च हुए थे 2 साल पहले 1 साल पहले अगर आप देखोगे, परफॉर्मेंस इट वॉज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के साथ डिसेंट कैमरा अगर आप दे सकते हो देन इट बिकम्स अ रियली गुड कॉम्बिनेशन, एंड मैं कहूंगा आईकू इज वर्किंग ऑन दैट। सो कैमरास जो है नॉर्मल कंडीशन में अच्छे निकलते हैं, IMX 920 सेंसर है जो सही में अच्छे फोटोज निकालता है, सिर्फ फोटोग्राफी में ही नहीं दोस्तों वीडियोग्राफी में भी 8K तक निकाल पाओगे, 4K 60 FPS है। जब हम चाइनीज वेरिएंट कैमरा के बारे में बात करते हैं मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि जो ट्यूनिंग होता है दैट इज फॉर चाइनीज कंडीशंस, हमारे लिए नहीं होता है, तो इधर आने के बाद शायद थोड़ा ट्यूनिंग वगैरह चेंज हो जाए, सो आई रिजर्व माई जजमेंट। लेकिन अगर आपको देखने हैं चाइनीज वेरिएंट्स के पिक्चर्स वगैरह जरूर नीचे जी ड्राइव की लिंक देखिएगा और आप डिसाइड कीजिए कि आपको फोटोज वगैरह कैसे लगते हैं। वैसे सेल्फी के बारे में बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है, ओवरऑल मैं कहूंगा डायनामिक रेंज कहो, कलर्स कहो, शार्पनेस कहो, एज डिटेक्शन वगैरह कहो, वो सब चीजें अच्छी है, नो प्रॉब्लम है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि अभी आईकू नियो इंडियन जो वेरिएंट होने वाला है क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है, बट ये आईकू नियो 9 प्रो है, उधर चाइनीज वेरिएंट जो है उसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, इसमें 8 मेगापिक्सल का, वो डिफरेंस है उनके प्रो एंड नॉन प्रो में। अब इसमें और हमारे नॉन प्रो में क्या डिफरेंस होगा, We'll have to wait and watch. इतनी सारी अच्छी चीजें कही है तो 2-3 चीज, अब छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए गेमिंग फोन है, गेमिंग फोन में स्ट्रीमिंग वगैरह स्ट्रीमर्स स्पेशली लेने वाले हैं, जो गेम्स खेलते हो लेने वाले हैं, उनको स्क्रीन कैप्चर वगैरह वीडियो कैप्चर करना पड़ता है, स्क्रीन कैप्चर बेसिकली USB 2.0 है, USB 3.1 Gen 2 वगैरह होता है, या यू नो USB 3.0 वगैरह तो भी अच्छा होता, बट इट इज USB 2.0 दैट इज देयर। एंड और एक बार 3D मार्क टेस्ट हम रन कर रहे थे, 3-4 बार हमने ट्राई किया दोस्तों थर्मल्स के मामले में, ऑल्दो 8Gen 2 जनरली हमने देखा हुआ है कि स्टेबल है, थर्मल्स अच्छे, इसमें हम 3D मार्क टेस्ट जो है वो रन नहीं कर पाए, 4-5 बार ट्राई किया, हीट बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा है, ऐसे उन्होंने कहा, सो वी विल हैव टू टेस्ट इट अगेन। जैसे मैंने कहा ये चाइनीज वेरिएंट है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये सिर्फ मैं कह रहा हूं क्योंकि हमने जो टेस्ट किए हुए हैं वो मैंने बताना चाहिए, जो भी हमने देखा हुआ है दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। यू नो आईकू नियो 9 प्रो ऑन 8Gen 2 35-40 हज़ार के करीब अगर ये आता है फोन दोस्तों, इट इज़ रियल वैल्यू फॉर मनी। आई मीन इसका डिस्प्ले देखिए, लुक्स देखिए, कैमरा सरप्राइजिंगली अच्छा है एंड परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली ग्रेट। आईकू इन 2024 मुझे लगता है जबरदस्त कॉम्पिटिशन देने वाला है दूसरे कॉम्पिटिटर्स को, दैट्स फॉर श्योर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस।
सीरियसली आपको कैसे लगा दोस्तों? वैसे कोई सवाल है तो नीचे जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, क्योंकि इंडियन वेरिएंट का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू जरूर आए, सो दैट वी विल सी द कमेंट्स और उस हिसाब से आपको बताएंगे सब कुछ। तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।